बच्चों आज हम थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो नंबर फोर्थ लेके आए हैं फोर्थ और फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखो अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक डिस्कस किया, सेकेंड पार्ट में हमने बताया हीट क्या होता है और हीट कैपेसिटीज के बारे में बात की। थर्ड पार्ट में हमने बताया वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होता है और बेसिक कवर की उसकी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में बातें की। फोर्थ पार्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल प्रोसेसेस में वर्क डन के फॉर्मूले के ऊपर। आप डेफिनेटली ये वर्क डन के फॉर्मूले एग्जाम में डिराइव कर सकते हो, पर इतना टाइम रहेगा कहां यार कॉम्पिटिशन में, इसलिए पहले से हम उसको डिराइव करके रखेंगे। तो अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। अगर आपको इसकी बेसिक सीखनी है तो ऊपर आपको यूट्यूब पर टाइप करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक 03 वर्क फिजिक्स वाला, जिसमें आप वर्क समझोगे होता क्या। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हम सबका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला है ना। मैं सोच रहा हूँ वीडियो के पहले एक होना चाहिए है ना, हम लोग का पूरा फिजिक्स वाला। खैर एनीवेज चलते हैं आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे निकालें फॉर गैसियस सिस्टम। सब गैसेस की बात करेंगे। तो यार जो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जब गैस एक्सपैंड करती है तो ये फॉर्मूला होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल प्रेशर और डेल्टा वी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक की कहानी सबको पता है। दो छोटी छोटी बातें और हैं, जल्दी से डिस्कस कर दें। अगर एक्सपेंशन होगा बच्चों तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा भाई। एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा वी पॉजिटिव, और वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव। जब गैस एक्सपैंड करती है तो हम बोलते हैं वर्क डन बाय गैस। जब गैस एक्सपैंड कर रही है तो हम बोलेंगे वर्क किसने किया, गैस ने, और जो गैस का वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से जब गैस कंप्रेस होगी यानी हम दबा देंगे गैस को तो चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा, नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन गैस। तो पिछला लेक्चर इसी पे था पूरा, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस पे। तो वर्क डन ऑन गैस कब होता है, जब वॉल्यूम कम होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, हमने एनर्जी सिस्टम के अंदर दे दी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई तो वर्क डन पॉजिटिव। और जब गैस वर्क करती है अपनी एनर्जी लूज करती है, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, तो उस वर्क डन को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम करे थे। अब हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जाके वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली आप वीडियो देखने आए हो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, पर पहले मैं आपको दो छोटे छोटे प्रोसेस को 2-3 मिनट के अंदर समझा दूं, जो है आइसोबारिक और आइसोकोरिक। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आइसोकोरिक एक्सपेंशन क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस, और एक डिस्कस कर लेते हैं आइसोबारिक एक्सपेंशन। इसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जल्दी जल्दी करेंगे। इसको जल्दी से देखो, आइसो मतलब होता है बच्चों सेम, कोरिक कहीं ना कहीं वॉल्यूम से रिलेटेड। ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अकर हो यानी वॉल्यूम चेंज ना हो उसको आइसोकोरिक कहते हैं। वर्क डन कैसे निकालोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। तो कभी भी कोई आइसोकोरिक प्रोसेस मिलता है, कभी भी कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस मिलता है तो उसमें वर्क डन जीरो। फिर आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसो मतलब फिर से सेम, बार प्रेशर की यूनिट, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाला। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर में लगता है, मतलब ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा भी है ना ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही ट्रू है। ठीक है,
अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तब ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है बच्चों वो है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू, नोट करें इसको, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है वर्क डन का, दिस इज ओरिजिनल फॉर्मूला, ये किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हो, ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर का है, दिस कैन वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड, दिस कैन बी अप्लाइड टू आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रोपिक, जितने भी प्रोसेस हैं सब में आप माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी वी वन से वी टू ये 100% टाइम्स करेक्ट होगा, और ये वाला सिर्फ कब करेक्ट होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग उन प्रोसेसेस की तरफ जो हमें बेसिकली आज पढ़ने थे। आइसोकोरिक तो समझ गए, वॉल्यूम कांस्टेंट, अब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो वर्क ही नहीं हुआ, ना गैस एक्सपैंड की है ना कंप्रेस, वॉल्यूम सेम है। आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे काम हुआ है तो जो फॉर्मूला लिखा है वो यूज कर लेंगे, और इसके सिवा कोई प्रोसेस हुआ तो जो फॉर्मूला लास्ट में लिखा वो यूज करेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस की तरफ, और पहला प्रोसेस मैं लेने वाला हूं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हेडिंग लगा लो यहां से, इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं। क्या तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बच्चों आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम, थर्मल यहां टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा हो, ठीक है, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा हो, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर तुम्हें याद हो तो एक लॉ लगता है बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ क्या होता था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर गैस एक्सपैंड करेगी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में। बॉयल्स इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहीं पे, पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू, ठीक है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ वैलिड, पी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी एंड पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। इसका अगर ग्राफ देखें हम आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पी वर्सेस वी ऐसा बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है। तो बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हमें दो तरह के पढ़ने हैं, पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और दूसरा पढ़ेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो पहले तो नाम ही बहुत बड़ा है, क्या होता है कैसे होता है, तो बेसिकली आप सीखने आए हो उसका वर्क डन निकालने के लिए, तो एक काम करो पहले नोट करके इसका वर्क डन लिख लो, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू बटे वी वन, ठीक है, माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू बटे वी वन, तो पहले तो ये लिख ही लो, इसको बेस ई को बेस 10 में चेंज कर सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी टू बाय वी वन, ठीक है, तो ये बेस चेंज करने का तरीका होता है, बेस ई से बेस 10 में आना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये वाला टर्म इसके बराबर, बेस ई से बेस 10 में आना है तो इस एक्सप्रेशन को सेम लिखो, यहाँ 10 लिख के यहाँ 2.303। ये वर्क डन किसमें है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो पहले तो इसको तुम नोट करके लर्न कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ें और समझाएं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पहले तो याद कर लो। यहां पे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे इसको, और यहां पे हम माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला फॉर्मूला वर्क का यूज नहीं करेंगे। माइनस एन नंबर ऑफ मोल्स, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या लॉग 10 के बेस में करना है तो माइनस 2.303 नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, लॉग 10 वी टू बाय वी वन। अब बात करते हैं बच्चों ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, नोट ले लिया इसका,
अब ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया, आइए देखते हैं बच्चों। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा कैसे, जैसे मान लो यहां मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल में कोई गैस रखी है, आइडियल गैस है इसके अंदर, और ये एक पिस्टन लगा है मेरे पास, ठीक है, यहां पे कोई गैस है मेरे पास, आइडियल गैस है ना। अभी जितनी भी बाउंड्री है ना इस टाइम, जितनी भी बाउंड्री आपको दिख रही है, पूरी बाउंड्री हमारी परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बाउंड्री, परफेक्टली कंडक्टिंग, ये भी परफेक्टली कंडक्टिंग, ये भी, ये भी, ये भी, और इवन पिस्टन भी, ये जो मूव करेगा, बाकी पिस्टन और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो पिस्टन इजिली मूव कर सकता है अप एंड डाउन। मान लो यहां पे प्रेशर अपना कुछ पी एक्सटर्नल है और यहां पे कुछ प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस है, और मान लो प्रेशर ऑफ गैस, अच्छा एक काम करते हैं, यहां छोटे छोटे मास रख दो, रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए ना तो बहुत धीमा भी चलाना होगा इसको, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे बनेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक तो हर तरफ से कंडक्टिंग लगाओ और बहुत धीमा करो, तो मैंने क्या किया छोटे छोटे वेट रख दिए यहां पे, ठीक है, अच्छा ऐसा रखा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा रखा कि सिस्टम ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे आए, एकदम इक्विलिब्रियम में। तो यहां से कुछ प्रेशर ऑफ गैस लग रहा होगा, यहां से वेट की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, और अभी सिस्टम एकदम बढ़िया इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब दोनों प्रेशर बराबर होंगे। हमने ये बहुत छोटे वेट हैं, कितने छोटे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल वेट हैं, समझ रहे हो, ये बहुत छोटे वेट हैं, 1 ग्राम को भी 1 लाख में डिवाइड कर दो, वेरी स्मॉल वेट। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक छोटा सा वेट रिमूव कर देंगे, वेरी स्मॉल, इसको हम रिमूव करेंगे तो ये वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये वाला प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, प्रेशर ऑफ गैस विल बिकम ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना, मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होगा, शायद प्लस डीपी टाइम्स ज्यादा हो, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ रहा है इससे, है ना, यहां से ये हटा दिया आपने एक छोटा सा मास, तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया ना, एक्सटर्नल प्रेशर पी माइनस डीपी हो गया, छोटा सा कम, और ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो अब गैस एक्सपेंड करेगी, ऊपर बढ़ना चाहेगी स्लोली। अच्छा बच्चों, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, और एक्सपेंशन से हमेशा कूलिंग होती है, बात दिमाग में डाल लो, एक्सपेंशन से हमेशा कूलिंग होती है, जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती है तो वो ठंडी पड़ने लगती है, और गैस कंप्रेस होती है तो हीट होने लगती है, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंशन से कूलिंग होगा, ठीक है, तो ड्यू टू दिस, इसके रिमूवल की वजह से, इसको हमने रिमूव किया, व्हाट विल हैपन, प्रेशर का डिफरेंस हुआ, गैस एक्सपेंड एंड इट कूल्स, अब भैया कूल करेगी तो टेम्परेचर फॉल करने लगेगा, टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स, हाँ कि ना, है ना, ये बढ़ा वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने से गैस एक्सपैंड की, गैस के एक्सपैंड करने से टेम्परेचर गिरने लगा। अब हमें तो चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसीलिए हमने ये बाउंड्री परफेक्टली कंडक्टिंग ली है, जैसे ही टेम्परेचर फॉल करना स्टार्ट करेगा ये गैस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, गैस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग और वापस अपने टेम्परेचर पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा गैस और सराउंडिंग के बीच में, फिर ये स्टेबल है ना, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये तरीका था जिससे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल होता है, हम पिस्टन पे छोटे छोटे वेट रखते हैं, एक छोटा सा वेट हटाते हैं, छोटा सा वेट हटाने पे ये प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है, गैस एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन से कूलिंग आती है, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, है ना, जैसे आप देखो परफ्यूम वर्फ्यूम लगाओ तो ठंडा पड़ता है ना, या आप जब सलून पे जाते हो, बार्बर शॉप पे, तो बाल में पानी डालता है तो ठंडा लगता है, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा होता है पानी, है ना, मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे होते हैं, तो गैस के एक्सपेंशन से कूलिंग होती है बच्चों, और कूलिंग होने से टेम्परेचर गिरने लगा, पर आइसोथर्मल चाहिए, इसलिए परफेक्टली कंडक्टिंग लिया था, कंडक्टिंग मतलब हीट को ट्रांसफर करेगा मस्त,
कंडक्टिंग ऐसा होता है कि तब तक खुश नहीं होता जब तक दोनों तरफ टेम्परेचर सेम ना हो, कंडक्टिंग है वो। तो भाई यहाँ टेम्परेचर कम यहाँ ज्यादा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ हीट फ्लो करेगी, टेम्परेचर फिर सेम हो जाएगा, फिर एक वेट हटाओगे फिर एक्सपेंड करेगा, फिर कूलिंग, फिर हीट एब्जॉर्ब, एंड सो ऑन इनफाइनाइट स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा क्योंकि ये रिवर्सिबल है। क्लियर हुआ कैसे पॉसिबल है ये? अब बात आती है कि इसका वर्क डन कैसे निकालें, प्रोसेस समझ में आ गया, अब बात आती है इसका वर्क डन कैसे निकालें। तो फॉर्मूला तो मैं आपको ऑल्दो लिखवा चुका हूं, इसका वर्क डन कैसे निकालें। तो बच्चों इसमें दिक्कत क्या हुई कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं, वरना हम फॉर्मूला लगा देते, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, क्या था डेल्टा वी, हम ये लगा देते, पर प्रेशर कांस्टेंट कहां है? धीमे धीमे आप एक एक मास हटा रहे हो, प्रेशर धीमे धीमे, एक्सटर्नल प्रेशर धीमे धीमे कम हो रहा है, एक मास हटाया कम हुआ, दूसरा मास हटाया और कम हुआ और कम हुआ, सो वी कैन नॉट अप्लाई दिस। सो व्हाट वी कैन अप्लाई, मैंने बताया W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, वी वन से वी टू एक्सटर्नल, ये हमेशा वैलिड है, हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन देखेंगे, शुरू में वॉल्यूम मान लेते हैं यहां पे वी वन, यहां पे वॉल्यूम वी टू, ये हम लगा सकते हैं बिल्कुल। तो आइए इस फॉर्मूले को यूज करें और वर्क डन कैलकुलेट करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। चलिए, सो W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू। अब अगर इंटीग्रेट करना है, यहां डी वी है तो यहां भी कुछ वॉल्यूम का टर्म चाहिए भैया, तभी तो काम बनेगा, क्योंकि ये आइडियल गैस है, सो कैन वी राइट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, क्या ये हम लिख सकते हैं? अच्छा, ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में पी किसका प्रेशर होता है? गैस का, पर मैंने यहां लिख लिया एक्सटर्नल, क्यों? क्योंकि सिस्टम तो हमेशा इक्विलिब्रियम में है, एक वेट हटाया बाहर का प्रेशर कम हुआ, गैस एक्सपैंड की दोनों तरफ का प्रेशर बराबर, फिर एक वेट हटाया बाहर का प्रेशर कम हुआ, गैस एक्सपैंड की दोनों तरफ का प्रेशर फिर बराबर। भाई गैस एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर फॉल भी तो करेगा, जैसे जैसे गैस एक्सपैंड करेगी प्रेशर गिरेगा कि नहीं, तो अंदर का प्रेशर भी गिर के बाहर के बराबर। जैसे मान लो, समझो बात को, है मतलब बढ़िया चीज है, इसको समझ लो पूरा। जैसे मान लो ये हमारा रखा हुआ है अपना वेसल के ऊपर पिस्टन, और इसके ऊपर वेट है, मैंने एक वेट हटाया बाहर का प्रेशर फॉल हुआ, बाहर का प्रेशर फॉल हुआ अंदर का ज्यादा है तो ये ऊपर आया, अब गैस एक्सपैंड करेगी, और बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो गैस का प्रेशर कम हुआ, तभी तक एक्सपैंड करेगी जब तक बाहर और अंदर का प्रेशर फिर से सेम ना हो जाए, बाहर का प्रेशर तो कम हो गया था, अंदर का कम होता होता जब दोनों बराबर फिर रुक गई, फिर एक वेट हटाया बाहर का प्रेशर फॉल किया, गैस एक्सपैंड की अंदर का प्रेशर गिरते 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 फिर बाहर के बराबर रुक गई। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डीपी का डिफरेंस था, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर में डीपी, इसीलिए पीवी इज इक्वल्स टू आरटी में मैं पी एक्सटर्नल भी लिख सकता हूं। छोटी छोटी बातें पर कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी किसके लिए लगता है? गैस के लिए। मैंने पर पी की जगह पी एक्सटर्नल क्यों लिखा ये समझाया, क्योंकि पी एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ गैस हमेशा सेम रहेगा भाई, डीपी डीपी का डिफरेंस है, बहुत छोटे छोटे स्टेप में हुआ है। तो यहां से पी एक्सटर्नल की जगह मैं रख सकता हूं एन आर टी बटे वी डी वी, कहां से कहां, V1 से V2 और बाहर लगा दिया माइनस। अब देखो N नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो गैस के चेंज होंगे नहीं, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट होके बाहर आ गई, माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बटे वी वी वन से लेके वी टू। अब बच्चों डी वी बटे वी का इंटीग्रेशन लॉग वी होता है, so it will come out to be minus n rt log base e into v, कहां से कहां, v1 से v2, so minus n rt, अब आप क्या करोगे, एक बार v की जगह v2, एक बार v की जगह v1, log e v2 minus log e v1, इसमें कोई confusion तो नहीं है, dx by x का integration log x, dx by x का integration log x, तो वही किया। अब बच्चों log a minus log b क्या होता है बोलो, log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a अपॉन b, तो यही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल आएगा माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू बाई वी वन। ये जो गैस में जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है इसमें हमेशा p एक्सटर्नल रखा जाता है,
और मैंने पी एक्सटर्नल जगह ये एनआरटी बाई वी क्यों सब्स्टिट्यूट किया ये समझना आपको जरूरी था, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया और ये फाइनल फॉर्मूला आया। फिर मैंने बोला था इसको चाहो तो आप लॉग बेस 10 में चेंज कर सकते हो, तो वो सब भी मैं लिख देता हूं अब यहां पे, नोट कर लिया है डेरिवेशन, बहुत बढ़िया। अब इसी के अलग अलग फॉर्म देखो, इसको लॉग बेस 10 में चेंज करना है, सो यू कैन ऑल्सो राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी टू बाय वी वन। इसको आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कैसे, ये इक्वेशन यूज करो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो V2 by V1 विल बी P1 by P2, तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 बोलो V2 by V1 इज इक्वल्स टू P1 by P2, ये भी लिख सकते हो। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हो, क्लियर है। इसकी जगह आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉग बेस ई P1 by P2, सो ऑल दीज फॉर्मुलेज आर करेक्ट। मान लो टेम्परेचर ही नहीं दिया और वर्क डन निकालने को मांग लिया, तब क्या करोगे? मान लो किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ही नहीं दिया और हमसे कहता है वर्क डन फाइंड करिए, तब क्या करेंगे? तब भी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा हमको। क्या कर लेंगे इस फॉर्मूले के साथ, थोड़ा सा खेल करना है। आपको पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो एनआरटी की जगह चाहे पीवी वन रख दो चाहे P2 V2 रख दो। अरे यार एनआरटी नहीं दिया है सवाल में, मान लो टेम्परेचर नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया सवाल में, और वर्क डन पूछ लेता है तो कुछ नहीं दिक्कत है। एनआरटी किसके इक्वल होता है? पीवी, तो चाहे P1 V1 रख दो यहाँ पे, चाहे P2 V2 रख दो, ऑल द सेम। समझ में आ रहा है? इसी फॉर्मूले में आप एनआरटी की जगह P1 V1 या P2 V2 जो वैल्यू दी हो वो रख दो, ये याद रखना। पीवी इज इक्वल्स टू, कई बार होता है सवाल में ना टेम्परेचर दिया, नंबर ऑफ मोल, सिर्फ इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, कहता है वर्क डन निकालो, बच्चा कह रहा है सर एनआरटी में टी तो है ही नहीं मेरे पास, तो वैसी कंडीशन में क्या करोगे, है ना। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एनआरटी जगह क्या लिख सकते हो P1 V1 लॉग बेस 10 V2 by V1, खेल खत्म, या P2 V2 लिख दो जो चाहो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो फाइनली आपको ये फॉर्मुलेस क्लियर हो गए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के। एक बार जल्दी से रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मुले हम एक बार एक जगह पे लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो जल्दी से बोले फॉर्मूले याद होना चाहिए, ये नहीं एग्जाम में डिराइव कर रहे। माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू बाय वी वन या माइनस एन आर टी लॉग बेस ई पी वन बाय पी टू या एन आर टी नहीं पता माइनस पी वन वी वन लॉग बेस ई वी टू बाय वी वन माइनस पी टू वी टू लॉग बेस ई वी टू बाय वी वन। समझ में आ रहा है? एन आर टी की जगह चाहो तो पी वन वी वन रखो, चाहो तो पी टू वी टू रखो। इसी तरह से अगर लॉग बेस 10 में चाहिए तो क्या करो, माइनस 2.303 लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा। माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 वी टू बाय वी वन, बस ये एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 वी टू बाय वी वन। अब V2 by V1 नहीं पता है तो प्रेशर में क्या करना होगा, उल्टा रख देंगे भाई, P1 V1 is equals to P2 V2, तो V2 by V1 will be P1 by P2। NRT नहीं पता है तो भैया हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए PV is equals to NRT, NRT की जगह चाहे P1 V1 लिख लो चाहे P2 V2। सो नोट दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द लास्ट फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है एकदम? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग 10 V2 बाय V1, और ये दो बातें याद रखेंगे। टेंशन खत्म, पक्का बोलेंगे भाई, जोर से बोलो भाई जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी। क्लियर हो गया? जी सर जी क्लियर। माइनस 2.303 क्लियर,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये था रिवर्सिबल, अब हम लेंगे इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बच्चों इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दो तरह का हो सकता है, पहला जो वैक्यूम में हो, कहां पे हुआ पहला, वैक्यूम में हुआ है ना, वैक्यूम में। बच्चों वैक्यूम में अगर प्रोसेस होगा तो उसको हम फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं। अब यार वैक्यूम में गैस को रोकने वाला एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, जीरो, प्रेशर तो गैस की वजह से होता है ना, मतलब एयर मॉलिक्यूल की वजह से, वैक्यूम में कोई एयर मॉलिक्यूल ही नहीं तो प्रेशर जीरो, तो भैया वर्क डन कितना आ जाएगा, सीधा जीरो। सो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आपसे बोलता है इरिवर्सिबल है और फ्री एक्सपेंशन वाला है तो आप सीधा बोलो वर्क डन विल बी जीरो। अरे वैक्यूम में जाके किसी गैस को आपने एक्सपेंड कर दिया, वैक्यूम में ले जाके किसी गैस को आइसोथर्मली आपने एक्सपेंड कर दिया, उसका टेम्परेचर नहीं गिरने दे रहा, उसको एक्सपेंड कर दिया, क्या होगा भाई, वो गैस तेजी से एक्सपेंड होगी, क्या उसे वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, कोई है ही नहीं बाहर उससे लड़ने के लिए, तो वर्क क्या करेगी, अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएगी, सो वर्क डन विल बी जीरो। सेकेंड केस होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर छोटा हो गैस के प्रेशर से और काफी छोटा हो, डीपी से छोटा ना हो, काफी ज्यादा छोटा हो जाए, तब इक्विलिब्रियम रहेगा नहीं हर जगह, है ना, तब इक्विलिब्रियम रहेगा नहीं, तब वर्क डन का एक ही फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन बोल दो या डेल्टा वी, खत्म, कुछ खास कर ही नहीं सकते इसमें आप, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन, इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। देखो मैं तुमको साफ हिंदी में बोलता हूं, एकदम बात मेरी समझो, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखता है, क्या दिखता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखता है, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो चाहे कुछ ना लिखाओ दोनों में से, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखते ही लगा दो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्या बोल रहा मैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, जेई में तो आया ही हुआ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखता है तो वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सीधा। हाँ, अगर वैक्यूम में हो रहा है तो भाई वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा, जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो, यही फॉर्मूला यूज किया वहां पे भी, क्लियर है, तो इरिवर्सिबल के लिए अपना फॉर्मूला क्लियर हो गया, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, अगर इरिवर्सिबल देगा तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हमें लगाना है, बस और सोचना ही नहीं है कुछ, वैक्यूम में होगा तो याद रखना है कि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, वर्क डन विल बी जीरो, क्लियर है, क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल बहुत तेज होता है तो प्रेशर उसमें धीमे धीमे फॉल वॉल नहीं करता, सीधा गैस एक बार में एक्सपैंड कर जाती है उसके बाद प्रेशर फॉल करता है, सडन प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। चलो भाई तो अब चलते हैं अपन एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे, आइसोथर्मल क्लियर हो गया, आइसोथर्मल में वर्क डन रिवर्सिबल का याद हो गया और इरिवर्सिबल का भी, अब चलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बच्चों एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, हीट एक्सचेंज इज जीरो, यानी गैस या वो सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं वो सराउंडिंग को ना हीट दे सके ना सराउंडिंग से हीट ले सके, ऐसे को हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन विच क्यू इज जीरो। अब बच्चों एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए भी एक इक्वेशन होती है, जैसे आइसोथर्मल के लिए आपने बोला P1V1 is equals to P2V2, किसके लिए बोला था, आइसोथर्मल के लिए बोला था, ऐसे ही एडियाबैटिक के पास भी एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशंस, और पॉइजन्स इक्वेशन क्या है नोट करेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, P1V1 की पार गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पार गामा, दिस इज ट्रू फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, P1V1 की पार गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पार गामा।
व्हाट इज गामा, तो शायद पिछला लेक्चर आपने देखा हो, थर्मोडायनेमिक 03, जिसमें मैंने गामा बताया था इज द रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, और गामा की वैल्यू निकालना भी सिखाया था मोनो डाया और ट्रायटोमिक गैस के लिए। गामा की वैल्यू मोनो के लिए सबसे बड़ी 1.66, डाया के लिए 1.4, ट्राया के लिए 1.3। व्हाट इज गामा, गामा डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक या ट्राया एटॉमिक, तीन तरह की गैस हमको मिलेंगी। मोनो एटॉमिक सिंगल एटम से बनी हो, हीलियम, नियन, एर्गन एक ही एटम से बनी है, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.66। डाया एटॉमिक दो एटम से, O2 N2, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.4। ट्राया एटॉमिक तीन एटम से, जैसे O3, इसके लिए गामा की वैल्यू 1.33। सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन गामा फॉर डिफरेंट गैसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हम बोलते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो दो बातें एडियाबैटिक की याद रखनी, एक तो हीट एक्सचेंज जीरो है, एक P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा कैसे बच्चों, हम क्या करेंगे, वही पिस्टन वाली कहानी रहेगी, ये है और यहां हमने एक पिस्टन लगाया, अंदर हमारे पास गैस है। इस बार जो बाउंड्री हम लेंगे वो परफेक्टली इंसुलेटिंग लेंगे, परफेक्टली इंसुलेटिंग। आइसोथर्मल में कैसी थी, परफेक्टली कंडक्टिंग, यहां पे परफेक्टली इंसुलेटिंग, ये भी परफेक्टली इंसुलेटिंग, ये भी परफेक्ट। अब इंसुलेटिंग है बच्चों, तो ना ही बाहर से हीट अंदर आ सकती है, ना ही अंदर से बाहर हीट जा सकती है, तो हीट एक्सचेंज विल बी जीरो, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आइसोथर्मल प्रोसेस चाहिए तो परफेक्टली कंडक्टिंग, एडियाबैटिक चाहिए तो हीट को ना बाहर जाने देना है ना हीट को अंदर आने देना है। एडियाबैटिक मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं, हीट नहीं जानी चाहिए एडियाबैटिक, तो परफेक्टली इंसुलेटिंग ले लो, हीट ना बाहर जाएगी ना अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर देखेंगे, अंदर इंटरनल प्रेशर होगा, वैसे ही हम यहाँ से मास हटाएंगे, गैस एक्सपैंड करेगा एंड वर्क विल बी डन। तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्या मैं इसको मिटा दूं सारी इंफॉर्मेशन को जो आपके सामने है, नोट कर लिया है, गामा की वैल्यू कैसे निकालनी है, मोनो एटॉमिक के लिए 1.66, डाया के लिए 1.4, ट्राई के लिए 1.33। सो अब हम यहां साइड में एक चीज लिख दें कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। बच्चों हमें वर्क डन चाहिए यहां पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, तब लगा सकते थे जब प्रेशर कांस्टेंट हो। जरा मैं यहां ग्राफ दिखाता हूं आपको, पी वर्सेस वी ऑफ एडियाबैटिक का, ये होता है ग्राफ बच्चों एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, दिस इज द ग्राफ फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का भी ऐसे ही था, पर आइसोथर्मल कुछ ऐसा होता है, ये वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होती है, देखो आइसोथर्मल की स्लोप ये, एडियाबैटिक की स्लोप और खड़ी हो गई है ना, आइसोथर्मल की स्लोप ऐसे जा रही, एडियाबैटिक की स्लोप और खड़ी हो गई, एंगल बढ़ गया। देखो आइसोथर्मल का एंगल कम था, एडियाबैटिक का एंगल और ज्यादा बढ़ गया, सो एडियाबैटिक की स्लोप आइसोथर्मल से डेफिनेटली ज्यादा होती है, और ये उसका ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हो कि एडियाबैटिक में प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, यानी ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये तो कॉन्स्टेंट प्रेशर का था, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी ये फॉर्मूला तो गया। सो वॉट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P external dV from V1 to V2, यही बचा हमारे पास। क्लियर है, याद रखोगे ये बात। अब स्लोप की बात बता दूं थोड़ी सी, स्लोप जो होती है बच्चों एडियाबैटिक की, वो बड़ी होती है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से, याद रखोगे, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा पूरा, चलो इनकी स्लोप का कंपैरिजन, इसकी स्लोप गामा गुने बनी बड़ी होती है आइसोथर्मल से, तो वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, अभी समझ गए, इसकी स्लोप ज्यादा होती है गामा गुने ज्यादा। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ वर्क डन कैलकुलेट करना है हमको। सो वर्क डन का पहले कहो तो फॉर्मूला बता दें, वर्क डन का फॉर्मूला फाइनली जो आएगा वो आएगा हमारे पास एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन, ये फॉर्मूला आएगा वर्क डन का, रिवर्सिबल
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का, ठीक है। एडियाबैटिक में भी दो प्रोसेस होंगे, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। तो पहले हम रिवर्सिबल की बात कर रहे थे, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का ये फॉर्मूला आने वाला है, एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। तो पहले इसको नोट कर लो। फिर मैंने बताया कैसे निकालना पड़ेगा इसी फॉर्मूले से, क्योंकि प्रेशर ग्राफ में देख रहे हो चेंज हो रहा है। आइए क्या किया जाए, क्या किया जाए, इंटीग्रेट करना है यार हमको। यहाँ पे डीवी, यहाँ कुछ वॉल्यूम का टर्म चाहिए, डीवी है तो यहाँ वॉल्यूम का टर्म हो, तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो हमने एक काम किया, हमने बोला पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा। इसका मतलब है कि पीवी की पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, इसका तो यही मतलब हुआ। पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री की पावर गामा, मतलब पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट रहेगा हमेशा इस प्रोसेस के लिए। पी वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते रहेंगे पर पी वी की पावर गामा चेंज नहीं होगा। तो हमने बोला लेट पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, सम कॉन्स्टेंट के। अब यहां से मैं पी की जगह रख सकता हूं के अपॉन वी की पावर गामा डी वी। बोलो सही है, मुझे पता भी नहीं के कौन सा कॉन्स्टेंट, ऐसे ही रख दिया बस, ठीक है। वी वन से वी टू, यहां से बच्चों कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा माइनस के, इंटीग्रेशन ऑफ वी की पावर माइनस गामा डी वी फ्रॉम वी वन टू वी टू, इज दैट करेक्ट। वी की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं माइनस के, वी की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा वी की पावर, बोलो माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन वी वन से लेके वी टू। बोलो सही है ना, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो वी कैन राइट माइनस के, और ये वन माइनस गामा को बाहर लाएंगे और उसको हम लिखते हैं माइनस हटा के गामा माइनस वन। बोलो कोई दिक्कत? अरे यार यहां से ये माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, माइनस कॉमन लोगे तो ये वन माइनस गामा बन जाएगा, सॉरी गामा माइनस वन बन जाएगा। ये ऑलरेडी क्या है, वन माइनस गामा, यहां से माइनस बाहर लो, माइनस बाहर लिया, माइनस माइनस कैंसिल, दिस विल बिकम गामा माइनस वन। अंदर बचा वी की पावर माइनस गामा प्लस वन, और एक बार v की जगह v2 रखो, एक बार v की जगह v1। तो v की पावर माइनस गामा, v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन। बोलो ठीक है, सही लिखा है ना। v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन मतलब क्या हुआ, v2 की पावर माइनस गामा इंटू v2, v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन मतलब v1 की पावर गामा माइनस गामा इंटू v1। सही है, यही तो होगा ना, v2 की पावर माइनस गामा प्लस वन, v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन। एक बार v2 रखा, एक बार v1, आराम से चलो, एकदम क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ, इसके से इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम k टाइम्स ऑफ v2 की पावर माइनस गामा v2 माइनस के टाइम्स ऑफ वी वन की पावर गामा माइनस गामा वी वन अपॉन गामा माइनस वन। अब मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा के की वैल्यू, यार के पी वी की पावर गामा है, क्या हम ये कह सकते हैं पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल्स टू पी टू वी टू की पावर गामा एंड ऑल आर इक्वल टू के। PV की पावर गामा कांस्टेंट है के, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू के, सब है कांस्टेंट k के बराबर। यस और नो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बताओ सोच के। P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट k, मैंने k से मल्टीप्लाई किया अंदर। यहां पे मैं k की जगह रखूंगा P2 V2 की पावर गामा, और यहां पे मैं k की जगह रखूंगा P1 V1 की पावर गामा। फायदा देखो क्या होगा, P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर माइनस गामा V2 माइनस यहां पे के की जगह P1 V1 की पावर गामा, P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर माइनस गामा V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। कई लोग सो गए पीछे, क्या हो रहा है, गामा मेरी जिंदगी, गामा देखो V2 की पावर गामा V2 की पावर माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, V1 की पावर गामा V1 की पावर माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। सो आपके पास बचा क्या, आप P2 V2 माइनस
P1V1 P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब P2V2 को आप क्या लिख सकते हो? NRT2। P1V1 को क्या लिख सकते हो? NRT1। PV is equals to NRT से। बोलो क्लियर हो रहा है यहां तक? P2V2 PV is equals to NRT, PV2V2 is equals to NRT2, P1V1 is equals to NRT1, तो NR common हुआ, क्या बचा? T2 minus T1 upon gamma minus 1, which is the answer. NRT2 minus T1 upon gamma minus 1, this is the work done in reversible adiabatic process. Clear हुआ क्या? Derivation थोड़ा लंबा है, ध्यान से देख लो. Work done का formula minus P external DV V1 से V2. मुझे समझ भी नहीं आया इसको कैसे हटाऊं, तो मैंने कहा P1V1 की पार गामा, P2V2 की पार गामा सब बराबर, तो मैंने कहा PV की पार गामा मतलब कांस्टेंट रह रही है, तो मैंने PV की पार गामा को K बोल दिया, फिर मैंने P की जगह K अपॉन V की पार गामा, फिर इसको मैंने आगे बढ़ाया, इंटीग्रेट वगैरह किया, V1 V2 की वैल्यू रखी, यहां पर आके क्लिकिंग पॉइंट था, मैंने K को अंदर ले गया, यहां पर K की वैल्यू मैंने रख दी P2V2 की पार गामा, और यहां पर K की वैल्यू P1V1 की पार गामा, फिर सॉल्व किया, फिर यहां पर आए हम, हमने कहा PV is equals to NRT, तो P2V2 is equals to NRT2, P1V1 is equals to NRT1, यहां तो टेम्परेचर अलग होगा ना, एडियाबैटिक है, टेम्परेचर तो चेंज होगा ही इसमें, फिर NR कॉमन लिया, T2 minus T1 upon gamma minus 1, so this is work done in adiabatic process, वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, फिर से लिख देते हैं फॉर्मूले, और उसको आप नोट कर लेंगे, डेरिवेशन जानने से ये होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एग्जाम में आ भी सकता है, खैर केमिस्ट्री से तो नहीं आता ये, फिजिक्स वाले पार्ट में पूछ भी लेता है कई बार एग्जाम में डिराइव करने को, सो वी कैन से वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आया था, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, या इसी को आप P2V2 की जगह NRT2 माइनस NRT1, NR कॉमन हो गया, अपॉन गामा माइनस 1, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, लास्ट में आपसे बोलेगा वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो यार इरिवर्सिबल के लिए मैंने आपको बोला है कुछ नहीं सोचना, इरिवर्सिबल देखते ही फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इरिवर्सिबल मतलब माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बाकी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है जानना है आपको तो पहला वीडियो देखिए थर्मोडी का, टाइप करेंगे थर्मोडायनेमिक 01 और उसका लास्ट में जाके आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये थे बच्चों वर्क डन के सारे फॉर्मूले जो आपको लेने थे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के, क्लियर है, अब आप निकाल सकते हैं वर्क डन, चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।